वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगान सदर अशरफ गनी से टेलीफोनिक राबता हुआ। अमन अमल की हिमायत जारी रखने का इरादा और भरपूर तआवुन की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जंग बंदी और तशद्दुद में कमी के लिए तमाम अफगान जमातों के किरदार की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तमाम अफगान स्टेक होल्डर्स को तारीखी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मसलत कोशिशों से अमरीका तालिबान अमन मुआहदा और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज हुआ है। इमरान खान ने दोहा में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पर फरीकैन के इकदाम की तारीफ करते हुए जंग बंदी और तशद्दुद में कमी के लिए अफगान जमातों के किरदार की अहमियत पर जोर दिया है। इमरान खान का कहना था कि तमाम अफगान स्टेक होल्डर्स को इस तारीखी मौके से फायदा उठाना चाहिए। अफगान क़यादत को खुद एक जामे सियासी मुआहदे के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने अफगान सदर को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान अफगान अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किए गए फैसलों की मुकम्मल हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक अफगान तामीरी रवाबित अमन इस्तेहकाम समेत अफगान अवाम की खुशहाली की अहमियत पर बात की है। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के दौरे की दावत पर सदर अशरफ गनी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान कौंसिल कौमी मुफाहमत के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अगले हफ्ते इस्लामाबाद आएंगे।